अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ निदा कमल और आप लोग देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। और मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चॉकलेट चिप केक की रेसिपी। चॉकलेट चिप केक के इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने लिया है 1 कप आटा, 1 कप मैदा, 1/3 कप ऑयल एंड घी। मैंने ऑयल एंड घी मिक्स करके लिया है और 1/4 कप लिया है मैंने ये, 1 कप शक्कर, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और चॉकलेट चिप्स अपने जायके के अकॉर्डिंग ले लें आप। तो चलते हैं केक की रेसिपी को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप चीनी, पहले हमने इसमें शक्कर ऐड कर दी। हम ये जूसर ब्लेंडर में बना रहे हैं, बीटर में नहीं। अब इसमें जा रहे हैं 2 अदद अंडे। ऑयल की क्वांटिटी आप देख लें, ऑयल और घी मैंने मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल ले लें और चाहें तो सिर्फ घी ले लें। अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से 3 मिनट बीट कर लेंगे। तो हमारा बैटर 3 मिनट अच्छी तरीके से बीट हो चुका है और अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। हमने यहाँ पर बैटर निकाल लिया है। अब हम इसमें आटा और मैदा, बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों यहाँ हमने आटा, मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैदा हमें छान कर ही इसमें डालना है। हम इसमें आधा मैदा अभी छान देंगे। हाफ मैदा और आटा मैंने इसमें मिक्स किया है और इसे अब हम फोल्ड करेंगे। 1 साइड फोल्ड करना है हमें। ये 1 साइड फोल्ड हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर बाकी का मैदा भी छान लिया है और इसे अब हम 1 साइड फोल्ड करेंगे। आप फोल्डिंग स्टाइल देख लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बैटर जो है काफ़ी थिक हो गया है और मैं इसमें अब मिल्क भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें अपना वनीला एसेंस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर मिल्क ही ऐड करना है और वाइटनर नहीं लेना। आप भी किसी भी उसका ले लें या फ्रेश मिल्क ले लें। और मैं इसे अंदाजे से डाल ली हूँ, पतला नहीं करना। अब हम इसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिल्क के साथ फोल्ड कर लेंगे। अब माशाल्लाह से बैटर एकदम सही है, गाढ़ा नहीं है। तो अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू अपने जायके के मुताबिक मैं इसमें चॉकलेट चिप डाल दूँगी। थोड़ी सी हम बचा लेंगे कि हम इसे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए केक में। माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो रेडी है। तो फ्रेंड्स, हमने ये प्यारा सा खूबसूरत का अपना ओवन का बेकिंग बाउल लिया है। अब हम इसमें ये घी को ग्रीस कर लेंगे। घी ले लें, ऑयल ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये थोड़ा सा डिज़ाइन में अच्छा सा केक रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। ये हमने खूबसूरत सा बाउल लिया है डिज़ाइन वाला, तो हमें केक इसमें से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से इसमें हम अच्छी तरीके से जो मैदा है हमारा, हम वो इसमें लगा देंगे तो केक बआसानी हमारा बाहर निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बाउल केक के लिए रेडी है। अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूंगी। हम ये पतीले में बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे। ये मेरा बेकिंग का बाउल है ओवन का, तो इसे मैं पतीले में बेक कर सकती हूँ। आप सोचेंगे कांच का बाउल तो टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे अच्छी तरीके से टेप कर लेंगे कि एयर पास हो जाए। टैप करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये डेकोरेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हम ये चॉकलेट चिप से अपना केक डेकोरेट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक खूबसूरत सा भगोना रख लिया है और मैंने इसका फुल फ्लेम कर दिया है। और मैंने ये इसमें स्टैंड रख लिया था। ये स्टैंड रखेंगे, ये 5 मिनट में तेज़ आंच पर रखूँगी और उसके बाद ही मैं इसकी आंच स्लो कर दूँगी। ये देखें, मैंने इसमें ये रख दिया है केक का बैटर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कागज़ से सुराख को बंद कर दिया है।
और इसके ऊपर ये मैंने वेट रख दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ इसे पूरे पूरे एक घंटे बाद, 60 मिनट के बाद हम देखते हैं अपना केक। तो दोस्तों हमें पूरा एक घंटा गुजर चुका है और अब हम केक चेक कर लेते हैं। और ये जो मैंने वेट रखा था ये भी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा केक बेक हो चुका है। अब मैं इसे और चेक कर लेती हूँ नाइफ से। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, हमारा केक माशाल्लाह से रेडी है। मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, लेकिन ये अभी काफ़ी गर्म है, अभी ये बहुत गर्म है। तो फ्रेंड्स अभी ये ठंडा होता है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा केक अभी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ। और ये फ्लावर के अंदर बना हुआ ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से हिल रहा है। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से मैदा कोट किया था आप देख सकते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ही आराम से केक हमारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। तो हमारा चॉकलेट चिप केक तैयार है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।